इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना का शहर की समाज सेवी महिलाओं के द्वारा आज विरोध किया गया। इस अवसर पर विभिन्न समाज सेवी संगठनों की महिलाओं ने हाथों में तख्ती लेकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और केंद्र सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बहुत गलत हो रहा है और केंद्र सरकार चुपचाप गूंगी बहरी और अंधी बनकर देख रही है, तो उनको अब अपनी आंखें खोलना पड़ेंगी। ये तो अभी हम लोग बहुत छोटे रूप में यहाँ उपस्थित होकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह के नफरती माहौल को बनने ना दें। छोटी छोटी घटनाओं को रोकने से बड़ी घटनाएं नहीं होती। आज हमारे देश का एक पूरा राज्य जल रहा है, उसे बचाना होगा और उसके लिए कदम केंद्र सरकार को जल्दी उठाने चाहिए। 65 लाख रुपए गबन कांड के 7 आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। कलेक्टर शीतला पटले के निर्देश पर शिक्षा विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जबलपुर वित्तीय विभाग की टीम ने सोमवार को जिला प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा महकमे में हल्ला मचा हुआ है। वहीं सूत्रों की माने तो इसी मामले में कौशालय के 2 लोगों को निलंबित किया गया है, जबकि 1 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। हालांकि कोषालय कार्यालय की कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जबकि छिंदवाड़ा BEO IM भीमनवार, मुखेड़ BEO मनोहर भलावी, सहायक ग्रेड 2 लिपिक अनिल कुमार कुड़ापा अंजू कुड़ापा, सहायक ग्रेड 3 किशोर जगदले, प्राथमिक शिक्षक मेघा सिवनी, स्कूल साम राव नागवंशी, सारना स्कूल भृत्य किशोर कुमार गढ़ेवाल, सारना संकुल मेड़कीताल संतोष उइके पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। जांच दल गठित किया गया था, इनमें जो आर्थिक अनियमितता बरती गई थी उसके संबंध में जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट पर से इस दल ने आर्थिक अनियमितता पाया जाना सिद्ध पाया था, उस पर से हमारे कोतवाली थाने पे आज अर्ली मॉर्निंग कायमी की गई है, जिसमें धारा 420, 406, 409, 34, 120B के तहत भारतीय दंड विधान के तहत इन 8 आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इनमें से इंद्र कुमार भीमनवार और मनोहर भलावी जो 2 BO हैं छिंदवाड़ा और मोखेड़ विकासखंड के, शेष अनिल कुमार कड़ोपा, अंजू कड़ोपा, किशोर जगदले, सामराव नागवंशी, कमलेश कुमार गढ़ेवाल और संतोष उइके हैं। इन 8 आरोपियों के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। ग्राम पंचायत बड़ चिचोली के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि उनके गांव का स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जर्जर स्कूल को देखते हुए नए भवन का निर्माण भी किया जा चुका है, लेकिन यहां पर अब तक फर्नीचर नहीं आया है, जिसके कारण विद्यार्थी जर्जर स्कूल में ही बैठ रहे हैं, जबकि स्कूल में प्राचार्य और शिक्षक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन से की गई। पढ़ाई की जो व्यवस्था है टगमगा चुकी है। एक आदर्श विद्यालय जिस स्कूल का नाम था, आज वो निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पर भवन बन चुका है जो 1,40,00,000 का है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद में भी वहाँ बच्चों को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ बढ़ते हैं वहाँ पानी टपक रहा है, नीचे पानी है, शिक्षकों की पढ़ाई न होने के कारण बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। अव्यवस्था बढ़ चुकी है और इस अव्यवस्था के खिलाफ में हम यहाँ पर समझ लो कि आए। सड़क पर यदि कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं बरसात के समय में तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए PWD विभाग के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें फोन करने के बाद सड़क के गड्ढे को दुरुस्त करने के लिए विभाग की टीम आ जाएगी। PWD आसिफ मंडल के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। इस बारिश के दिनों में इस सही बात है कि रोडों में जो पैच पॉटहोल्स बढ़ जाते हैं, तो हम उन रोडों को हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति बन रही है, और इसलिए हमने इस बार हमारे एक नोडल अधिकारी हमने नियुक्त किया जिले में, जो हमारे अनुविभागीय अधिकारी हैं उप संभाग क्रमांक 2 के आकाश खरे जी हैं, उनका हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उनका फ़ोन नंबर हमने आम जनता के बीच में लेके आए हैं कि यदि ऐसी कोई सड़क है जिसको संभाग द्वारा नहीं देखा गया और ऐसी कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो उस फ़ोन में हमको इन्फॉर्म करेंगे तो हम उस रोड को हम अटेंड करेंगे और उस रोड की हम मरम्मत करके। श्री आकाश खरे हैं अनुविभागीय अधिकारी, उनका मोबाइल नंबर है 7000195079।
प्रदेश सरकार के द्वारा आहाते बंद करने के साथ ही खुले में शराब पीने पर रोक लगा दी गई है। होटल ढाबे में शराब पीना प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के कई होटल और ढाबे में शराबखोरी चल रही है। ऐसे ही एक शिकायत लेकर आज सारना और बनगांव के निवासी SP कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने बताया कि सारना और बनगांव के बीच आदित्य ढाबा शराबखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ पर शराब पीने के बाद आए दिन विवाद होते हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। ढाबे का ओनर जो है रसान जायसवाल है, और वो वहाँ पे नाका वाले, और वो वहाँ पे अवैध शराब पिला रहे हैं। वहाँ गांजा का पूरा, वहाँ पे गांजा पीते हैं लोग आगे लड़के, और बिल्कुल वहाँ पूरा अवैध कारोबार कर रहा है। हम सभी ग्रामवासी और हमारे क्षेत्रवासी की यहाँ दुकान है कि यहाँ ढाबा जल्द से जल्द टोटल बंद होना चाहिए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग में दस्तक अभियान का शुभारंभ हो गया है। इसी तारतम्य में जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों की माताओं को समझाइश दी गई। आधी पूरी अपने खाने, क्योंकि ये एक बार खुल जाती है तो खराब हो जाती है, 24 घंटे में उसकी आय नमी चली जाती है, फिर कोई काम करिए, बच्चे काम करिए, इसलिए आधी पूरी अपने खा लेना। जनपद पंचायत सभाकक्ष में आज जनपद CEO स्वाति सिंह के द्वारा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें लाडली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करने के साथ उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीते दिनों कांग्रेस जिलाध्यक्ष के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को 2 कौड़ी का कहा गया था। राजनीतिक गलियारियों में यह बयान भाजपा ने मुद्दा बना लिया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर जहां विवेक बंटी साहू के समर्थक अपनी फोटो शेयर करते हुए हाँ हम भी 2 कौड़ी के हैं यह पोस्ट लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष विवेक बिट्टू मंडराहा और रवि मालवीय सहित अन्य युवाओं के द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में आज आम जनता के बीच पहुंचकर अपना विरोध दर्ज किया गया और लोगों को 2-2 कौड़ियां बांटी गई। अगर वो हमारे जिला अध्यक्ष जी को 2 कौड़ी का मानते हैं तो हम सारे कार्यकर्ता भी 2 कौड़ी के इंसान हैं, क्योंकि अगर हम सेवा भाव का काम करते हैं, अगर हम उनके स्कैम को उजागर करते हैं, अगर उनकी बातों का खंडन करते हैं तो हम भी 2 कौड़ी के इंसान हैं। भैया जो कोरोना में जो कोई नहीं निकले, जो कांग्रेस वाले एक नहीं दिखे आपको शहर में, और कांग्रेस वाले एक ना ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, ना इंजेक्शन की व्यवस्था करें, ना किसी चीज़ की व्यवस्था करें, और हमारे बंटी साहू जी खुद जिला हॉस्पिटल में PPT किट पहनकर पूरे मरीजों से मिले, उनकी समस्याएं हल की। अगर ऐसा करना 2 कौड़ी का तो मैं भी 2 कौड़ी का हूँ। कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की परिभाषा का परिचय दिया है कि जिस तरह का उनका शब्द था कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य जिला अध्यक्ष 2 कौड़ी के हैं, तो हम आज सभी कार्यकर्ता जन सेवा कार्य में निकले हैं और जनता को बताने निकले हैं कि हम सभी कार्यकर्ता भी 2 कौड़ी के हैं। वार्ड क्रमांक 40 तात्याटोपे वार्ड में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में आज साहू समाज के द्वारा स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में पहुंचकर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें साहू समाज के पदाधिकारियों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विवेक बंटी साहू जी के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए हमारा संपूर्ण साहू समाज दुखी है, और जो जिन नेताओं के द्वारा, जिनके द्वारा ये बातें कही गई, उनके विचारधारा, उनकी भाषा शैली को ईश्वर सुधारे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।